वो कौन सा ग्रुप है उसका क्या काम है और कहा वो यूज होता है वो सब हम देखेंगे बहुत शॉर्ट वीडियो बहुत शॉर्ट कंटेंट रहने वाला है लेकिन बहुत पावर पैक्ड है यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे विल बी हेल्प्ड एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली वी हैव दिस कोर्स दैट इज गोइंग ऑन इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट फॉर प्री एंड मेन्स वहां पर हम मेन्स के हिसाब से भी पूरा कवर करते हैं एंड इट इज मोर ब्रॉड बेस्ड थोड़ा सा ब्रॉड है वो इससे इसका फोकस टू द पॉइंट का तरीके से हमने प्रीलिम्स को पार करना है यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन कोर्स लेने से पहले सेवन डेज फ्री ट्रायल हो यार और देख लो कि हाउ द क्वालिटी गोज एंड वॉट इज द कंटेंट दैट इज गोइंग ऑन देअ मूविंग ऑन द टू डेज टॉपिक दैट इज दमिकल्स क्या होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि अ स्टडी हैज फाउंड दैट रेन वाटर फ्रॉम मेनी प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबल फिनोमिना है ये जस्ट लाइक like आपके इन जनरल जितने भी पोल्यूशन की बात करते हैं ये कोई एंडेमिक चीज नहीं है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को नहीं कवर कर रहा है इट इज ग्लोबल अक्रॉस द ग्लोब इज कंटेमिनेटेड विथ पर एंड पॉलीफ्लोरोल्काइल सब्सटेंसेस जिसको पी भी कहा जाता है दीज आर कॉल्ड फॉर एवर केमिकल्स इसके ऊपर है कि जो फॉर एवर केमिकल्स पर एंड पॉली फ्लोरो रेन वाटर में मिले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इट इज कॉज ऑफ कंसर्न क्योंकि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं अगेन सम अनवांटेड केमिकल्स हैं इसके अंदर सो वी so कि क्या है फॉर एवर केमिकल्स देखो बहुत इंट्यूटिव स्टेटमेंट है कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू स्टिक अराउंड इन दर रेन वाटर एंड सॉयल फॉर

टे रिजिस्टेंट फैब्रिक्स कॉस्मेटिक्स फायर फाइटिंग फॉर्म्स एंड मैनी दिस इज द की यहाँ पे एनी प्रोडक्ट दैट रेजिस्ट्स ग्रीस वाटर एंड ऑयल विल प्रॉबेबली हैव दीज केमिकल्स मैन मेड केमिकल्स हैं और ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन दोनों टाइम पे इट गेट्स रिलीज एक एग्जॉस्टिव सी लिस्ट है यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार कि हमने ये देख लिया था वाटर रेजिस्टेंट क्लोदिंग पेंट में है अगेन गाड़ियों के पेंट में घरों के बाहर पेंट करते हैं तो उसको वाटर रेजिस्टेंट और ऑयल रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट ग्रीस रिजिस्टेंट होना पड़ता है दैट इज द पर्पस बेसिकली ऑफ पेंट्स कॉस्मेटिक्स में यूज होता है ताकि आपके बहते हुए आंसू दिखाई ना दे रोल ऑफ हो जाए मेकअप खराब ना हो फोटोग्राफी उसमें एंड वी हैव माइक्रो ये आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जहां पे भी आपको ग्रीस रेजिस्टेंस ऑयल रेजिस्टेंस जो है जो आपको चाहिए होगी उसकी यहां पे बात हो रही है इफेक्ट्स देख लेते हैं इसके इट इज डिक्रीज फर्टिलिटी डेवलपमेंटल इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन बेसिकली यहां पर बात हो रही है फिटस डेवलपमेंट की ये जो चीज है क्योंकि फिटस डेवलपमेंट के अंदर इश्यूज जो हैं इसके आते हैं इंटरफेरेंस विद बॉडी हार्मोन्स इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल and increased risk of some cancers so we can say that ki ye ek bahut zyada khatarnak chemical jo hai hamare liye ban jata hai and it has the tendency to get accumulated humne biomagnification ka ek topic aapne suna hoga biomagnification is a term to तो ye biomagnification bhi inhibit करता है और ये show show करता है कि यार एक organism जब दूसरा consume करता है तो it gets accumulated मोर कंसेंट्रेशन तो ये उस इफेक्ट को भी करता है इनकेस अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली रिलेट ये सिमिलर ही टॉपिक है. है? है? For, है तो डायरेक्ट क्वेश्चन का बनता है इसमें सीन इन न्यूज नंबर वन इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्ड एंड पॉलीफ्लोरोलकाइल सबसे अटैम्प्ट कर सकते हैं इसने एक यहां पर बट हमें पता है कि ये एग्जाम्पल सही तो है और मैन मेड केमिकल्स भी ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट दे डू नॉट ब्रेक दे रिमेन इन दिनवायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट इज बाई देआर कॉल्ड फॉर अवर केमिकल्स तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो आंसर क्या बनेगा हमारा फोर्थ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्थी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग